आर्थिक प्रवृत्ति के लोगों की जो मासूम बच्चियों तक को अपना शिकार बनाते हैं, ऐसे लोगों को साथियों कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके लिए सभी की सहमति होती है। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं भाई जयकिशन ठाकुर जी के नेतृत्व में, जिन्होंने मुझे फोन पे भी बताया कि ऐसे ऐसे एक बच्ची है और उसके साथ ये घटना घटी है। साथियों कई घटनाएं इस देश में इस तरह की घटती रही है, जंतर मंतर से आवाज उठती रही है, लेकिन कुछ को न्याय मिला कुछ को नहीं मिला। तो हम लोग भी उसी कड़ी में हैं कि हमें न्याय नहीं मिला है, बच्ची के पेरेंट्स को न्याय नहीं मिला है। अंकिता नाम है इसका और डिस्ट्रिक्ट टॉप राजस्थान से हम भाई जयकिशन जी के माध्यम से इस आवाज को लेकर आज जंतर मंतर में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हम अपनी आवाज को आज सोई हुई सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम जयकिशन भाई ने बताया कैंडल मार्च भी होगा, बच्ची के लिए हम जो कर पाएंगे, हमारा जयप्रकाश जनता दल जो भी कर पाएगा, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश से संयोजक हूँ पार्टी में, हमारा जयप्रकाश जनता दल जो भी बच्ची के हित के लिए मदद दे पाएगा वो भी देगा साथियों। और हमें चाहिए कि इस तरह के जो जो भी अपराध हो, राजस्थान ही नहीं तमाम, चाहे दिल्ली हो चाहे गुजरात हो, देश का कोना कोना जहां इस तरह की घटना होती है साथियों, हमें आवाज उठाने का काम करना होगा और हमें दिखाना होगा कि भाई हम एक है। ऐसे दरिंदों को समाज में रहने की इजाजत नहीं है जो इस तरह की घटना और मानसिकता लेकर समाज में जी रहे हैं। साथियों मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को कोई न्याय के लिए नहीं बल्कि देखते ही गोली मारने का आदेश दे सरकार गोली मारने का आदेश दे दे, जिससे कि लोगों में जो और उस मानसिकता के लोग हैं वो कम से कम सीख लेंगे और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से फर्क कापेंगे साथियों, और वो कापेंगे, उन्हें सीख मिलेगी कि हमें गोली मार दी जाएगी। साथियों और भी हिंदुस्तान के अलावा कंट्रियां हैं वहां इस तरह की घटनाएं होती है, उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिससे कि आगे आने वाले चरण में कोई उस क्रम में कोई इस तरह की घटना ना हो साथियों। लेकिन साथियों मैं पुनः यही कहूंगा कि हमें भी जागृति लानी होगी, अपने आसपास अगर इस तरीके का कोई आदमी संदिग्ध आदमी उसके विचार अगर इस तरह के होते हैं तो हमें उसे तुरंत पकड़ना होगा और उसे क्राइम करने से पहले ही ऐसा प्रावधान हमें कानून में लाना होगा जिससे कि हम इस तरह के कानून से घटना करने वालों को ही जो करने वाले हैं यानी कि जो करने जा रहे हैं उसे भी हम रोक लगा सके। साथियों इस सही सरकार को हम फिर से जगाने का काम कर रहे हैं साथियों कि ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसा कोई कानून ऐसा कोई अमेंडमेंट हो सरकार में कानून में कि जिससे कि आदमियों को जो इस तरह की घटित घटनाएं कर रहे हैं या मानसिकता है उन्हें गोली मारने का आदेश सरकार दे, उन्हें सख्त से सख्त सजा दे, ऐसी सजा दे कि वो अपने आप को सोचे कि हाँ मैंने एक गुनाह किया है। लेकिन साथियों उसमें कोई बेल नहीं होनी चाहिए, लोग उस चीज को, मेरे को जयकिशन ठाकुर साहब ने बताया कि ये जो दरिंदे हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, वहां के जो लोग हैं वो बचाने के लिए उन लोगों को उनकी रक्षा के लिए उतर के आए। साथियों मैं तो एक अपील और करना चाहूंगा, जो अपराधियों के लिए रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं वो उन साथियों को भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि उनका किसी ने साथ नहीं दिया तो उन्हें लगेगा भाई हम समाज में अकेले हैं, हमें ऐसी घटनाएं नहीं करनी है। तो इसलिए साथियों मैं ये चाहता हूँ सोई हुई सरकार को जगाने का काम हमें करना है और यहाँ से जाने के बाद भी अपने आसपास निगरानी रखनी है, अपनी बच्चियों को सेफ रखना है, क्योंकि एक तरफ देश के अंदर बेटी के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, इतने अच्छे अच्छे जीविकाएं, अच्छी अच्छी प्लानिंग करी जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी जब पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बेटी को जो है सुरक्षा कौन प्रदान करेगा साथियों, तो सुरक्षा भी हमारी सरकार को प्रदान करनी होगी, क्योंकि संविधान में भी बताया गया है कि हर व्यक्ति को हर जीव को सुरक्षा प्रदान करेगा राज्य, तो राज्य एडमिन सरकार,
सरकार अगर सुरक्षा प्रदान नहीं करती है तो ऐसी सरकार को भी बदल देना चाहिए दोस्तों। ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और अभी आने वाले समय में चुनाव भी है, हमें दिखाना होगा कि हम ऐसी नाकारा सरकार के लिए कार्य नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे जो हमारी बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे साथियों। तो आज मैं इसी कड़ी में और भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इस बात का सभी से एक बार फिर से अपील कर रहा हूँ कि हमें यहाँ से जाके भी इस आंदोलन को जो है रोकना नहीं है। और उस दिन तक हमें इस आंदोलन को चलाना होगा जब तक इन अपराधियों को या ऐसे देश में घटना कर रहे अपराधियों को सजा न मिल जाए साथियों। तो आज हमें शपथ भी लेनी होगी कि हम ऐसी घटनाओं को और खास तौर से जब तक अंकिता के कातिलों को, इसके रेपिस्टों को सजा नहीं मिल जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।